खरगोन जिले के बड़वा में हुए विवाद के बाद खंडवा जिले के मांधाता थाना क्षेत्र में की हत्या की गुत्थी। मांधाता पुलिस ने अंधे कत्ल गुत्थी को सुलझाया, जिसमें मांधाता पुलिस की टीम एवं सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तीसरी आंख की भूमिका अहम रही। थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर मांधाता पुलिस पूछताछ में लगी। ओमकारेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोरटका चौकी के पास नहर में अज्ञात 26 वर्षीय युवक का शव 17 सितंबर को पुलिस ने बरामद किया था। थाना मांधाता थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार ने बताया कि बड़वा निवासी राहुल उर्फ दगड़ू पिता भवानी राम गुजर को बड़वा के ही दीपक पिता गोपाल तंवर अन्य साथियों को मांधाता पुलिस लेकर आई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पत्रकारों को बताया कि दीपक पिता गोपाल तंवर तथा मृतक राहुल का विवाद चल रहा था, रंजिश के चलते यह हत्या की गई है। मृतक राहुल के मित्र राजू बक्सर का गत वर्ष बड़वा में मर्डर हो गया था, जिसकी गवाही दीपक द्वारा दी गई थी। इस बात को लेकर मृतक तक एवं दीपक में वाद विवाद चल रहा था। 17 सितंबर को दीपक व अन्य साथी राहुल को लेकर पूछताछ के लिए एडवोकेट नहर पर लाए थे। मोटरसाइकिल भी चोरी की गई थी। दीपक ने बताया, हम मृतक को समझा रहे थे, इस दौरान उसने चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव में अगर मैं अपनी रक्षा नहीं करता तो मुझे मार डालता। राहुल को चाकू से गोदकर वाहन व हत्या करने के बाद नहर में फेंककर फरार हो गए थे। मांधाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 24 घंटे में हत्या अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अंधे कत्ल की गुत्थी को लेकर खंडवा पुलिस अधीक्षक शिव दयाल सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार ने टीम गठित की थी, जिसमें मोरटका चौकी प्रभारी शुभम व्यास, विनोद नागर, महेश श्रीवास्तव, गजेंद्र यादव, आशीष, शैलेंद्र बिहारी, राजेंद्र महिला आरक्षक नजबीन सहित सीसीटीवी प्रभारी सुनील भावसार, धर्मेंद्र गुजर, रवि पांडे, सुरेंद्र सिंह की भूमिका सराहनीय रही। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से ललित दुबे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। कि दीपक को भी बोले डराओ, बोले चाकू लेके आया है और दो बार उन्होंने मेरे को धमकी देकर मैंने बड़वा थाने पे रिपोर्ट डाल रखी उसके 3 महीने पहले कि वो चाकू फेर के लाया था मेरे ऊपर और उसके बाद में मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई, तो ये डाउट पूरा इस पे जा रहा था लेके गया। तो इसको हमने पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ है, तो कही चलो उधर नया तरफ, बोले उधर रखी हुई है, तो इसको नहर तरफ लेके गए। तो साहब इससे बस पूछताछ कर ही रहे थे, इतने में तुमने चाकू निकाला और मारना शुरू कर दिया, तो मेरे को अंगली पे लग गई थी। तो साहब फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, उसका चाकू निकाला और उसको फिर बस खोजते गए, बाकी सब भगते उसको चाकू उसको खोजते गए और उसको फेंक दिया। मैंने कहाँ फेंक दिया? नहर पर। और कौन था साथ में? साथ में और कोई नहीं था, फेंक दिया मैंने। वहाँ से जो झगड़े हुए थे वहाँ कहाँ पे? इधर जो कैमरे में दिख रहा है तुम लोग। कैमरे में नहीं था सर, पता लगा था भाई वो दगड़ू तो बोले तेरी गाड़ी बता रही है, बोले वो नहर पे, तो बोले तू भी आ जा। तीन दिन मोटरसाइकिलों से जब ढूंढ रहे थे मोटरसाइकिलों से, हाँ और कौन कौन लोग थे? और तो पता नहीं सर, ये दो थे। कौन कौन? ये भाई उन्होंने ये जो बंदर, हाँ तो इनको बताया, बोले गाड़ी बोले उधर खड़ी हुई है अपनी, बोले चलो। इस कारण दीपक तंवर सर तो इधर से और मेरे हाथ के साथ पकड़ा, तुमने हाथ पे मार दिया था मेरा चाकू, तो फिर तुमने छीन के तुमने उसी को उसका चाकू, फिर मैंने उसको घोद दिया। घोद दिया पता नहीं सर आठ तक जने थे बाकी क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी विवेचना के द्वारा शनाख्त हुई वो राहुल उर्फ दगड़ू गुजर नाम का लड़का था। उसकी विवेचना के दौरान आगे ये मिला कि उसको चाकू से मार करके फेंक दिया गया है। विवेचना के दौरान ये पता चला कि एक दीपक पिता गोपाल तंवर नाम का लड़का है। इसकी एक पुराने मर्डर केस में राजू बाउंसर नाम का लड़का जो गत वर्ष उसकी हत्या बड़वा में हुई थी उस केस में पेशी थी, उसमें दीपक नाम का लड़का गवाही देने गया था। ये राजू बाउंसर नाम के जो मर्डर हुआ है उसमें जो आरोपी हैं ये हमारे राहुल दगड़ू के दोस्त थे, वो आरोपी थे। तो राहुल दगड़ू ये चाहता था कि दीपक पिता गोपाल तंवर ने उस केस में गवाही क्यों दी, उसको चमका रहा था दो चार दिन
महीने दो महीने से। इसी बात को लेकर के वो राहुल उर्फ दगड़ू जो जिसकी हत्या हुई है, वो इसको चमका रहा था दीपक को कि तूने उसमें गवाही क्यों दी और तेरे अन्य साथियों के ना गवाही देने नहीं जाए, नहीं मैं तेरे को निपटा दूंगा। इसी बात की रंजिश थी, इसी बात को लेकर दीपक ने उसकी हत्या की है। उसके साथ में उसके साथ में जो लोग गए थे मोटरसाइकिल चोरी की भी उनके ऊपर वो शंका थी, उसको लेकर के शिबू कंडेरा, पुष्पेंद्र राजपूत, शुभम ये लड़के सब मिल करके उसको गए थे। वहां पर दीपक नाम के लड़के ने उसकी हत्या की है और दीपक को हमने गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ और कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अब ये तो गिरफ्तारी की बात बाद में चलेगी, एक दूसरे से हम कंप्लेंट पूछेंगे कौन कौन लोग साथ में थे, उस आधार पर मुलजिम बढ़ते जाएंगे जैसा भी होगा, आगे की स्थिति विवेचना में स्पष्ट हो पाएगी।